हेलो नमस्ते सलाम, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए दिन के नए ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हो कितने बजे, 6 बज चुके हैं और मैं आज सुबह का 5 बजे का उठा था क्योंकि आज सावन की बड़ी रात है, तो वो हिसाब से ज़्यादा मैंने तहज्जुब की नमाज़ पढ़ी। आज मैंने कितनी 12 12 तहज्जुब की नमाज़ पढ़ी और वो हिसाब से मैं इसके लिए जल्दी उठ गया था क्योंकि आज फॉरगिवनेस की रात है, माफ़ी मांगने की रात है, तो वो हिसाब से जल्दी से उठ गया था और नमाज़ पढ़ ली। और उसके साथ साथ मैंने अपना अपलोड कल का ब्लॉग का भी अपलोड करने रख ही दिया। आज पता नहीं खाने में क्या होगा, आज भी भूख लगी मेरे को, तो ये रसगुल्ले फालूदा ये सब नहीं खाता, मतलब आज भी मलाई से काम चलाना पड़ेगी। मैं ऐसे काम कर रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ वो सोच रहा हूँ, बाकी से तो कुछ नहीं है। अभी 9 मिनट बाकी है, ऑलमोस्ट हमारा HD में भी हो गया और इसमें भी हो गया, लेकिन मेरा टाइटल ना का निकल गया, तो टाइटल क्या रखा जाए वो मैं सोच रहा हूँ पहले, इसके बाद पहले टाइटल रख देते, इसके बाद कुछ खा लेते। अभी अभी जस्ट ब्लॉग अपलोड करके आए हूँ और अब मलाई खा लेते हैं, भूख तो लगी है भाई, तो मलाई की सुबह मेरा दिन नहीं चलेगा, तो सच्चा मैं मलाई खा लेता हूँ। अब फजर को कुछ ना कुछ खाने का चाहिए मुझे, भूख लगती है। अब पहले मैं कुछ खाया नहीं था, लेकिन अब तो कंपलसरी कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए, तो वही सबसे मलाई चलेगा। इतनी काफी तेरी फोन हो गया, बाकी ये भी मस्त है। और दूसरे कुछ खाने ऐसा, हाँ टुमकी टुमकी या टुमकी क्या नाम जो भी हो, काफी मस्त है। तैयार हो, फ्रेश व्रेश हो गए, अभी टाइम देखो कितने हैं, सवा 6 ऑलरेडी बज चुके हैं। मैं अभी जा रहा हूँ कब्रिस्तान नाना से मिल और दादी से मिल, ये मिल के लिए सीधा फिर निकल गया मैं, तो अभी सीधा निकल गया, बहुत टाइम कटोकटी में आ गया, तो अभी निकलते ही मेरे को जाने का है एक जगह हजूरी चैम्बर्स झापा बाजार, और एक जाना है नान सिमगा स्कूल तलावड़ी संग्रामपुर, दो जगह जाना मुझे। उस जगह पे रखे मेरे नाना को, ये ना पूरा का पूरा कब्रिस्तान ही है, यहाँ से लेके लास्ट एंड तक हमारे नाना को वो सर दफनाए हुए, और ये पूरा कब्रिस्तान है। तो अपने अब जा रहे हैं मेरे दादा दादी के पास मुरगवान झापा में, जाने में आया अरे फिर ये वहाँ से पेड़ के दरगाह और यहीं पे दफनाया गया है। ये मेरे दादी की है ना, वो मेरे दादा की वो साइड, ये साइड ये पूरा कब्रिस्तान, ये बहुत अच्छे से साफ कर देने, ये साइड मेरे फुप्पड़ की है, ये साइड के आसपास काफ़ी टाइम बाद ही आने वाला, काफ़ी टाइम बाद। क्या देख
वगैरह बकरी स्टैंड देखा चालू है। इससे क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा। आज पहले खोबे क्यों उड़े जाते सब। हाँ भाई चावल चढ़िया भाई ये सब पास आ गए। रात के टाइम में तो निकल दे देते हैं। तेरे बाल निकल रहे हैं कभी क्या लाई रहा है फ्लैश लाइट है खाली भाई फ्लैश लाइट है वो खाली। हाँ भाई अभी अभी जस्ट आया हूँ बाहर से, बहुत थक गया आज तो, क्योंकि बराबर नींद नहीं मिली वो सबसे। और वहाँ मैं आपको मैं बता नहीं पाया, जहाँ मैं फर्स्ट टाइम गया था वो कब्रिस्तान, वो मैंने नाना के पास गया था और मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा। फिर दूसरी जगह जो गया था वो मेरे दादा दादी के पास गया था और साथ में मेरे फुप्पड़ भी वहाँ दफनाए गए। बहुत टाइम से हम गए थे इसीलिए टाइम निकल के हम आ गए। आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी अभी जस्ट खाया है और हम अभी जा रहे हैं नानी के वहाँ सभी बारात की मुबारक देने। तो वही सबसे ज़्यादा कुछ कैप्चर करने का मिलेगा नहीं और टाइम भी है नहीं क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। और ये ब्लॉग जो है वो मैं कल ही में एडिट करूँगा, कल मतलब 26 को एडिट करूँगा। तो वही सबसे तो एंड कर दे ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट करना और स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बाय बाय, सी यू सून।